सीबीआई की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। सीबीआई ने आरजीके मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ की। उनसे घटना के दिन और वारदात के अगले दिन के घटनाक्रम से जुड़े सवाल किए। संदीप घोष के कॉल डिटेल्स के आधार पर पूछताछ की गई। सीबीआई ने पूछा कि मीडिया में किस आधार पर बयान दिए गए, घटना की जानकारी किसने और कब दी, पीड़ित परिवार ने अस्पताल की भूमिका को क्यों संदिग्ध बताया। सीबीआई ने कॉलेज के डॉक्टर्स के पास सुरक्षा गार्डों के बयान भी दर्ज कर रही है। ये वो गार्ड हैं जो वारदात वाली रात हॉस्पिटल में तैनात थे। कुल 13 गार्ड को सीबीआई ऑफिस लाया गया और उनसे पूछताछ की गई। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने वारदात की जगह आरोपी के साथ सीन रिक्रिएट किया। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पीड़ित परिवार ने वारदात में कुछ और लोगों के शामिल होने का शक जताया है। सीबीआई को दिए गए अपने बयानों में कुछ डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स के नाम बताए हैं जिनका बयान दर्ज होगा। सीबीआई इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं अस्पताल में किसी तरह की कोई गैर कानूनी गतिविधियां तो नहीं चल रही थी जिसका कनेक्शन इस वारदात से हो। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।